थाना पानसमल के ग्राम मनकुई निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात लड़का बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पानसमल पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुविभाग अधिकारी पुलिस राजपुर के मार्गदर्शन और निर्देशन में नाबालिग युवती के मामले में गंभीरता से दिखाते हुए टीम को तैयार की गई। पुलिस टीम के द्वारा शहादा महाराष्ट्र के आरोपी संदीप पिता युवराज बारेला उम्र 22 वर्ष निवासी जलगोन के चंगुल से छुड़वाया गया और महिला अधिकारी ने पीड़िता से कथन दर्ज कराए। पीड़िता के कथन के अनुसार प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट की भी कार्रवाई की गई और नाबालिग लड़की को उसके परिजनों में सुपुर्द किया गया। आरोपी को ADJ न्यायालय सेंधवा पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को उपजेल सेंधवा दाखिल किया गया। पानसमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। दिनांक 24 को ग्राम मनकुई निवासी ने थाने पर आकर सूचना दी गई कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग युवती 22/5 को घर से बिना बताए कहीं चली गई है। सूचना पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया। नाबालिग युवती का मामला होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं SDOP महोदय के मार्गदर्शन में तत्काल टीम का गठन किया जाकर लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर नाबालिग युवती को संदीप पिता युवराज भिलाला निवासी जलगोन के कब्जे से मुक्त कराया गया एवं नाबालिग पीड़ित